बाहुबली और साहू के बाद प्रभास के पेन इंडिया सुपरस्टार बनने में कोई कसर नहीं रह गई है, मगर साउथ में अपनी जबरदस्त धाक जमा चुके प्रभास बॉलीवुड पर राज करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो अपनी रफ्तार को फिलहाल ब्रेक लगाने के मूड में नहीं है। हाल ही में खबर आई थी कि वो भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार बन चुके हैं। प्रभास इस वक्त एक फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रभास की आने वाली फिल्मों के हिसाब से उन पर लगभग 1500-1600 करोड़ दाव पर लगे हैं, इसलिए वो काफी कमाल की प्लानिंग कर चुके हैं। अगले 5 साल तक उनकी फिल्में पर्दे पर छाई रहेंगी। तो वहीं इसी बीच उनकी एक धमाकेदार लव स्टोरी मूवी रिलीज हो रही है। इस मूवी में उनके साथ पूजा हेगड़े दिखाई देंगी। यह मूवी आपको साल की शुरुआत यानी 14 जनवरी को बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। तो वहीं अभी तक इस मूवी से एक रोमांटिक सॉन्ग भी रिलीज कर दिया गया है, आसकी आ गई, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी शानदार आवाज में गाया था और ये सॉन्ग रिलीज होते ही कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तो वहीं इस मूवी से दो और सॉन्ग की बहुत ही जबरदस्त अपडेट सामने आ गई है। बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी का दूसरा सॉन्ग भी अरिजीत सिंह का होने वाला है, जिस सॉन्ग का टाइटल सोच लिया रखा गया है, जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। बात करें इस मूवी के तीसरे सॉन्ग की, तो वो सॉन्ग कोई और नहीं बल्कि इस टाइम के सभी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग देने वाले सिंगर जुबिन नौटियाल ने गाया है। जी हां दोस्तों, बहुत ही जल्द इस मूवी से तीसरा सॉन्ग भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि जुबिन नौटियाल ने अपनी शानदार आवाज दी है। हालांकि अभी तक इस सॉन्ग का टाइटल और रिलीज डेट रिवील तो नहीं किया गया है, पर खबरों की माने तो इस सॉन्ग को 15 तारीख तक रिलीज कर दिया जाएगा टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप राधे श्याम मूवी में किस सिंगर के सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल? कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वाला को सब्सक्राइब भी कर लें।